अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में, विदाउट पीसीआर टेस्ट को लेकर के। जैसे कि आपको भी मालूम है कि अगर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाते हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि विदाउट पीसीआर टेस्ट आप आ सकते हैं, बट इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अगर आपका सऊदी एयरलाइंस है तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विदाउट पीसीआर टेस्ट आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ना ही आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई भी इंडियन एयरलाइंस है तो आप विदाउट पीसीआर टेस्ट आप बिंदास जा सकते हैं किसी भी कंट्री से छुट्टी इंडिया आने के लिए। अगर आपका इंडियन एयरलाइंस नहीं है, कोई भी एयरलाइंस है जैसे एयर अरबिया हो गए या इमिरेट हो गए या सऊदी एयरलाइंस हो गए या और भी फ्लाइंग दुबई, बहुत सी ऐसी एयरलाइंस है, अगर वो आपकी एयरलाइंस है जहाँ से आपने टिकट को परचेज किया है, आप उनसे क्लियर करें क्या इसमें पीसीआर टेस्ट अलाउ है या नहीं है। अगर उसमें पीसीआर टेस्ट अलाउ है तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, अगर उसमें अलाउ नहीं है तो आपको पीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। अब सवाल आप लोगों का ये भी होता है कि ये टिकट मेरा कफिल खुद से बुक करके दिया है या खुद मैं बुक किया हूँ मोबाइल से, तो मैं किस तरह से पता करूँ। जिस भी एयरलाइंस का आपकी फ़्लाइट है उस एयरलाइंस के आप वेबसाइट पर जाइए, आप ऑनलाइन उसे चैटिंग भी कर सकते हैं और जो ट्रैवल गाइडलाइन का रूल्स है आप उसे पढ़ भी सकते हैं। अगर एग्जाम्पल टाइप में अगर आपको सऊदी से इंडिया जाना है तो आप क्रोम ब्राउजर में लिख सकते हैं सऊदी टू इंडिया, जो भी आपका फ्लाइट है, इमिरेट है तो इमिरेट सऊदी टू इंडिया इमिरेट फ्लाइट ट्रैवल गाइडलाइन या ट्रैवल का जो भी है, आप उसे सर्च करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, अगर वहां पे पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट है तो आप पीसीआर टेस्ट करवा लें, 90 रियाल का पीसीआर टेस्ट सऊदी अरबिया रियाद बथा मार्केट में आपका हो जाएगा। ये 90 रियाल बचाने के चक्कर में अगर एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया तो ये आपके लिए दिक्कत है, 1000-2000 रियाल आपका नुकसान हो जाएगा। कुछ भाइयों का सवाल है अगर हम इंडिया से सऊदी आते हैं तो क्या हमें पीसीआर टेस्ट लगेगा। इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि पीसीआर टेस्ट हमें जरूरत नहीं है और सऊदी की गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें पीसीआर टेस्ट चाहिए, तो अगर आप सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना होगा। साथ ही गुड न्यूज आप लोगों के साथ एक और शेयर कर लेता हूं, अगर आप यूए यानी दुबई आप जाते हैं ट्रैवल करते हैं इंडिया से और आपने इंडिया में फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। विदाउट पीसीआर टेस्ट आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। इतने पैसे खर्च होते थे पीसीआर टेस्ट को लेकर के, वहां की गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया। वहां जो और भी सोशल डिस्टेंस और भी बहुत सी ऐसी पाबंदी था मास्क को लेकर के, अगर आप खुले जगह पर जाते हैं भीड़ भाड़ एरिया नहीं है तो वहां आपको मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी अगर मास्क लगाओ या ना लगाओ। अगर आप किसी भी ऐसे इनसाइड जाते हैं जो पब्लिक पैलेस है जहां पे ज्यादा रश होता है, वहां जाने के बाद आपको मास्क लगाना होगा और आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। तो इस तरह से वहां की गवर्नमेंट ने इस रूल को खत्म कर दिया और आने वाले टाइम में हो सकता है सऊदी या इंडिया और भी कई कंट्री के गवर्नमेंट भी इन रूल को खत्म करेगा। धीरे धीरे कोरोना पे यहां भी काबू पाया गया है, कुछ हद तक यहां पे कोरोना का काबू है। पहले कोरोना का केस बहुत ज्यादा आते थे, अब कोरोना का केस सऊदी में भी बहुत कम हो गया। आज सऊदी का कोरोना का केस क्या है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूं। आज है 27 फरवरी, 27 फरवरी का सऊदी का नया कोरोना के केस है, 632 नए कोरोना के केस निकले हैं, 995 आदमी रिकवर भी हैं कोरोना के चलते, और कोरोना के चलते जो डेथ होने की आज की संख्या है टोटल दो है, दो आदमी का कोरोना के चलते डेथ हुआ है, और जो टोटल सऊदी में कोरोना से डेथ होने की संख्या है टोटल 8996 है। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे दे देता हूँ, ये आप भी देख सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के साथ, पूरी डिटेल में शेयर किया हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा सेकंड चैनल है, व्लॉग्स चैनल है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। उसमें मैं अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ सऊदी लाइफ स्टाइल के बारे में, सऊदी विलेज के बारे में, और भी बहुत सी ऐसी जानकारी उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उस वीडियो को भी आप वॉच कीजिए और प्यार दिखाइए। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।